मार शर्म करो, शर्म नहीं करो, शर्म करो, हमको जानो रिहा करो, जानो रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो कि मेरा नेता मर गया है, मेरा प्रधानमंत्री मर गया है, नीतीश मर गया है, इसी के कारण हम लोग मुंडन करवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के उनके तमाम समर्थक और कार्यकर्ता लगातार एकजुट हो चुके हैं और हर पल जो है उनकी रिहाई का मांग सरकार तक उठा रहे हैं। ऐसे में इसी क्रम में बात करें तो कल दरभंगा में जो है उनके समर्थक और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपना सिर मुंडवाया। इस दौरान कई महिलाएं भी वहां मौजूद थी जिन्होंने अपना सिर मुंडवाया। उनके द्वारा यही कहा गया कि हमारी सरकार जो है वो अंधी हो चुकी है, ऐसे में उनकी आंखें खोलने के लिए हमारे द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए देखते हैं वीडियो में कि उन्होंने क्या कुछ किया और क्या कुछ कहा और सरकार पर किस तरह से उन्होंने हमला बोला। हम लोग मुंडन इसलिए करवा रहे हैं कि मेरा नेता मर गया है, मेरा प्रधानमंत्री मर गया है, नीतीश मर गया है, इसी के कारण हम लोग मुंडन करवा रहे हैं। नीतीश कर, नीतीश सरकार, हाय हाय, हाय हाय, नीतीश सरकार, हाय हाय, नीतीश सरकार, हाय हाय, मर गए हैं नीतीश सरकार, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, मुन्ना जी ये बताइए कि जितने आक्रोशित हैं और बाल अभी मुड़वा रहे हैं, क्यों मुड़वा रहे हैं? यार हम लोग तो अपने नेता के लिए, अपने सेवक के लिए जान देने को तैयार हैं। बाल कौन चीज़ है? सबसे बड़ी बात है कि बड़ी विडम्बना है, हम लोगों को नीतीश सरकार पर भरोसा था, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि नीतीश सरकार भ्रष्ट है, क्योंकि जो चोर है वो बाहर है और जो साध है वो अंदर है। उनको पकड़कर जेल में रख दिया गया है, DMCH में एडमिट है, और जो चोर है वो बाहर मस्ती से घूम रहा है, ऐसी गाड़ियों में घूम रहा है, और कोरोना के नाम पर जो उसने एम्बुलेंस चुरा कर रखा, राजीव प्रताप रूढ़ी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करना चाह रहे हैं सरकार से, जरा भी अगर के लाज है, लज्जा है, शर्म है पब्लिक के प्रति, अगर उनको दिखाना है कि हम वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ने वाले हैं, तो अविलंब राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार करें और पप्पू यादव को अविलंब रिहा करें। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिला अध्यक्ष जनता पार्टी दरभंगा। पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताइए कि आप लगातार पप्पू यादव के समर्थन में आपने अर्थी जुलूस निकाला सड़क पर, आपने जो है सो गिर के उनके समर्थन में आपने मुंडन करवा रहे हैं, ये पूरा विरोध का क्या कारण है? सर ये सरकार निरस्त है, सोई हुई है, एसी में मस्त है और बाहर जनता पस्त है। इस सरकार को जगाने के लिए, सरकार की नीति साफ करने के लिए कि सरकार की कथनी और करनी जो अलग अलग है उसको उजागर करने के लिए आज हम लोग ये जो है ये काम कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। क्योंकि जो चोर था जिसने एम्बुलेंस चुरा के रखा अपने कार्यालय के अंदर में, बीजेपी के हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी, वो रिहा है, और जो साथ जिन्होंने
जिन्होंने पर्दाफाश किया माननीय पप्पू यादव जी, आज वो जेल के अंदर में है, हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। उसी विरोध में आज हम लोगों ने अपना बाल मुंडन कराया है और बाल मुंडन करा के एक बिहार सरकार को संदेश देना चाहा है कि अविलंब इसको किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में पप्पू यादव को रिहा किया जाए और राजीव प्रताप रूढ़ी को अविलंब गिरफ्तार करके समाज में, बल्कि बिहार सरकार अगर कि अपने आप को चाहती है कि उसका उसकी नीति साफ है तो अविलंब उसको गिरफ्तार करे और पप्पू यादव को रिहा करे। अगर ऐसा नहीं होता आगे क्या कदम होगा सर? अभी तो हम लोग बार मुड़वा करके एक छोटा सा पैगाम देना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वहां पे तमाम महिला और जो भी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं, उन सभी ने पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के मांग उठाया है। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो सीएम आवास के बाहर आत्मदाह भी करेंगे। ऐसे में इस तरह का एक खतरनाक विरोध प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं वो ये दर्शाना चाहते हैं कि पप्पू यादव को अगर जल्द से जल्द रिहाई नहीं मिलेगी तो उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो आगे जाके उग्र हो सकता है। आपको बता दें कि पप्पू यादव को 32 साल पुराने आपराधिक मामले में जो है फिलहाल जेल में डाला गया था, लेकिन चूंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इसीलिए अभी उन्हें DMCH में भर्ती कराया गया है। वहाँ पे उन्हें अलग अलग जो है बीमारियों का इलाज उनका चल रहा है, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ थी, इसके साथ ही उन्हें किडनी की भी परेशानी है, इसीलिए उन सभी चीज़ों को देखते हुए उन्हें DMCH में भर्ती कराया गया है और वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में पप्पू यादव एक बहुत बड़े नेता थे जो इस महामारी में मसीहा बनकर लोगों के सामने आए थे। वो एकमात्र नेता थे जो सड़क से लेकर अस्पताल तक सभी जगह जा जाकर जितने भी परेशान लोग थे, जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे, उन सभी का मदद कर रहे थे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी भी तरह की पैरवी वाला हो। तो इन सभी बातों को लेकर के वो लगातार मदद कर रहे थे, लेकिन सरकार की नज़र उन पर पड़ गई जिसके कारण जो है उन्हें किसी न किसी बात में फंसा करके उन्हें जेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और फिलहाल उनका DMCH में अभी जो है इलाज चल रहा है। ऐसे में उनके जो समर्थक है वो लगातार ये मांग उठा रहे कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो कहीं ना कहीं अपने घर वापस पटना वापस आ जाए और उनकी देखभाल ढंग से हो पाए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।